हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नोट्स एंड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है और आप इनके साथ में बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक हमारा जो क्लास टेंथ है उसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, आज हम ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में देखेंगे। इसके अलावा कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह होंगे जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। इसके अलावा जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे और एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं और वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में आज हम पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन यहां पे उसको जरूर 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 डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है बहुत जल्दी हम लोग जो हैं रिवीजन वाले सेशन पे आने वाले हैं। रिवीजन वाले सेशन के अंदर आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें, और कहने का मतलब यह है एक तो हमारा स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस को लेकर के बात करेंगे और ओलंपियाड्स लेवल के जो क्वेश्चंस आंसर होंगे उनको लेकर के बात करेंगे, और इसके अलावा हम उसमें रिवीजन सेशंस को भी देखेंगे और जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनको भी अपन वहां पे कवर कर लेंगे पक्का पक्का पक्का। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कर दिया होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे जाने के पश्चात अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन नजर आ रहा है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, दैट इज टेलीग्राम। ठीक है, अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो फायदा होने वाला है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल है, सैंपल पेपर है, नोट्स हैं, और अगर मैं कहूं डीपीपीस के बारे में तो ये सब आप लोगों के लिए यहां पे इजीली अवेलेबल है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा, आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं और यहां से जो स्टडी मटेरियल है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं वो ये कि सभी क्लासेस के लिए अलग 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 क्या बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं। अब इन टेलीग्राम चैनल के लिए आप लोगों को एक पर्टिक्यूलर पाथ फॉलो करना होगा, जो कि 10th क्लास की अगर हम बात करें t.me/ttb010, और जैसे ही आप इसको फॉलो करते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे और यहां से इजीली बिल्कुल फ्री आप अपना स्टडी मटेरियल एक्सेस कर लेंगे। फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और शानदार और फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपल सा काम वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहां पे आते हैं तो होगा क्या, आपको यहां पे आने के बाद में अभी जो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट अगर हम बात करें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा हम बात करें क्विजेस के बारे में, होमवर्क के बारे में, और अगर हम बात करें पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स के बारे में। क्या इतना ही नहीं, नहीं नहीं, जिन स्टूडेंट्स ने टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे आप लोगों को ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस प्लस इसके अलावा हम बात करें जो प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों को वो करवाए। अब जैसा कि आज मैंने आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी बात बताई है वो है स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस को लेकर, ठीक है।
और यहाँ पे हम बहुत जल्दी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन देखो, इससे प्रीवियस वाले जो चैप्टर था ना हमारा, उसमें तो हम लोगों ने लगभग लगभग देख लिया है, तो उसको तो मैं स्किप कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो हमारे पहले चैप्टर्स हो चुके हैं उनको, उनके बारे में हम एक बार रिवीजन जरूर देखेंगे, और उनके बारे में जो हमारा रिवीजन वाला पार्ट होगा उसको भी हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है? कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा होमवर्क, क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ओलंपियाड्स लेवल, सभी ये आप लोगों को मिल रहे हैं। स्टूडेंट जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो होगा क्या, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा और शानदार ऑफर, जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे नजर आ रहा होगा, 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए, इस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या अप्लाई कर देना है, आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट कूपन लिखा हुआ है और उसमें मेरा कोड अप्लाई कर देना है जो कि है VR लाइव। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। किस अमाउंट पे? इस अमाउंट पे, जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस अमाउंट पे आपको क्या मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब आपके 3000 डिडक्ट हो जाएंगे, और 3000 डिडक्ट होने के बाद, 3000 डिडक्ट होने के बाद में जो पेएबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 7000, मात्र 7000 रुपए में आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको मिल जाएगा बहुत ही इजीली। आप लोगों को क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है। बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 7000 का अमाउंट है, आप अपनी सुविधा अनुसार, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो, और किसी तरह की कोई दुविधा हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपना मोबाइल उठा लेना है। मोबाइल उठा करके यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं 9549041111, यहाँ पे कॉल कर देना है। जो भी आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन आप लोग इजीली ले पाएंगे। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए, टेस्ट सीरीज की अगर अपन बात करें तो टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों का सबसे अच्छा फायदा ये होने वाला है कि आप अपना एनालाइज कर सकते हो, आप स्वयं को ये देख सकते हो कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है, और यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, मात्र और मात्र जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है वही पाथ फॉलो करना है, और मात्र 3500 रुपये में जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लेना है, और आपकी जो स्टडी है आप इजीली देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं आज के नए चैप्टर पे, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 देखिए, आज जो हम देखने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर है हमारा, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ नोट्स सॉरी आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज जो हमारा चैप्टर है, और इसमें हम थोड़ा बहुत नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम समझेंगे। देखिए,
ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ करके नहीं आए हो। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों ने बहुत इजीली पढ़ा होगा, और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं हम जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में किसी भी रिलेशन में हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले जो मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में देखा था, जो था हमारे पास में बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि जो बायोटिक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है एबायोटिक रिसोर्सेज के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आज लोग जो हम देखने वाले हैं बायोटिक फैक्टर्स क्या होंगे, ए बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, एनवायरनमेंट के बारे में हम देखेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे, और स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट को बढ़ावा मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, और इनको जो नुकसान हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो आज इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है सबसे पहले अगर हम बात करें एक छोटी सी डेफिनेशन जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता, हम लोग थर्ड क्लास से पढ़ करके आ रहे हैं, वो है हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी फॉर्म के अंदर हमें क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसे हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट। Everything surrounding us and affecting us is known as environment. Now, अगर हम बात करें environment के factor के बारे में, तो एक बार बताओ environment के factor क्या हैं? अरे भाई, हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो affect कर सकती हैं? या तो वो living होगी या वो non living होगी। देखो, living में उसकी size कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो, छोटा नहीं हो, बड़ा नहीं हो, कैसा भी हो सकता है, उसका साइज कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें कहीं ना कहीं, मक्खी हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें एनिमल्स वगैरह के बारे में, अगर कोई डॉग वगैरह अगर मान लीजिए चिल्ला रहा है किसी न किसी वजह से, तो भी वो कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही। तो कोई भी चीज जो हमें अफेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज एनवायरमेंट। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट की अगर अपन बात करें तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आएंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है सिक्स क्लास के अंदर एक चैप्टर जिसका नाम है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर अपन बात करें, जिनके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिले, जिनके अंदर हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिले, जिनके अंदर हमें रेस्पिरेशन देखने को मिले, जिनके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिले, वो सभी के सभी किस में काउंट किए जाएंगे, वो सभी के सभी काउंट किए जाएंगे किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हम बात करें एबायोटिक फैक्टर्स के लिए, तो एबायोटिक फैक्टर्स में सोइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सनशाइन हो गया। अब हम कहें कि सर मूवमेंट तो एयर में भी दिखाई दे रहा है, तो क्या हम इसको लिविंग में, नहीं, और भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़ी ना काउंट किया जाएगा बेटा, ठीक है ना, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब जाकर के उसको हम किस में काउंट करेंगे, लिविंग थिंग्स के अंदर काउंट करेंगे। एक बार देख लो, फिर उसके बाद में हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप के अंदर देखा जाए, एक समूह के अंदर देखा जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजी सिस्टम के अंदर काउंट किया जाएगा। तो इकोलॉजी सिस्टम की अगर अपन बात करें, एन इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। वहां तो हमने ओनली कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा ग्रुप के बारे में, ठीक है। वही दोबारा देखते हैं, एन इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिपेंडेंट ऑन वन अनोदर एंड फाउंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरमेंट। सिंपल सी बात है भाई, एक बार बताओ जो उसके चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं किसको कर रहा है? अफेक्ट तो कर ही रहा है ना, सिंपल सी बात है। नाउ अगर हम बात करें इसी को वर्ल्ड के बारे में लेकर के अगर चलें, तो ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बायोस्फीयर। अभी तक हम लोगों ने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट के बारे में, किसके बारे में बात की थी? कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। वहां पे हम लोगों ने सिंपली इन चीजों के बारे में देख लिया कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। अब लेकिन हमने यहां पे बात की है इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। अब इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो है क्या? वो तो एक तरीके से ग्रुप हो गया, और ग्रुप के अंदर हम किसको काउंट कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहां पे बात की एक ग्रुप के बारे में, वहां हमने बात करी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम बात करें पूरी दुनिया के बारे में, ठीक है, अब वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो वहां पे वो इकोलॉजिकल नहीं कहलाएगा, या इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं कहा जाएगा, या वो एनवायरमेंट नहीं कहा जाएगा, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईच इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड इज नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट। नाउ एबायोटिक फैक्टर्स की अगर अपन बात करें, जहां पे हम बात करेंगे ओनली नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और अगर हम बात करें एबायोटिक के बाद में बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, तो वहां हम बात करेंगे जिनके अंदर हमें मूवमेंट नजर आ रहा है, जिनके अंदर हमें किसी ना किसी तरह की ग्रोथ नजर आ रही है, जिसके अंदर हमें किसी ना किसी तरह का रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यार जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी फुलफिल हो रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में, तो हमारे पास में क्या क्या होंगे? सोइल, वाटर एंड एयर, ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। नाउ हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में, तो वो हो जाएंगे हमारे पास है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। और अगर हम बात करें फिजिकल फैक्टर्स के बारे में, तो वो हो जाएंगे हमारे पास में एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लाइट। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स के बारे में, तो एक बार बताओ जो प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड गेन कर रहे हैं, और अपना फूड बनाने के बाद में जो CO2 और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है उसको भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? उसमें हेल्प कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स। ना कंज्यूमर्स की अगर अपन बात करें, जो फूड प्लांट्स ने बनाया है उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, वो डिपेंडेंट हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? कंज्यूमर्स। उन्हें हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। कंज्यूमर्स के बाद में अगर अपन बात करें डिकम्पोजर्स, जो बैक्टीरिया फंजाई हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? इको फ्रेंडली भी कहा जाएगा, क्योंकि जो सड़ा गला फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो डेड एंड डिकिंग मटीरियल होते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं? वापस से इकोलॉजी को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, और नेचर को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। एज इट इज एक बार इसको बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चले आगे। कोई दिक्कत अभी तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैबिटेट के बारे में तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं हैबिटेट जहां पे वो रह रहे हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमने ग्रुप के बारे में बात करी, पर्टिकुलर के बारे में भी बात करी, और जब ये जहां पे रह रहे होंगे या जिस जगह पे रह रहे होंगे तो सिंपल सी बात है ग्रो भी कर रहे होंगे, है ना। तो उस प्लेस को क्या कहा जाएगा? हैबिटेट कहा जाएगा। और इनको भी हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल, सेकेंड इज एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का सिंपल सा मतलब ये है जहां पे लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी बात। इक्विटी का सिंपल सा मतलब ये हो गया जहां पे पानी प्रेजेंट है और पानी के अंदर भी रह करके वो अपनी ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहे हैं। आप लोग बहुत इजीली इसके बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स आ जाते हैं फटाफट से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। क्या होंगे नेचुरल रिसोर्सेज? अगर एक बार हम यहाँ पे इन इमेजेस को देखें, एनिमल रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, क्रूड ऑयल की अगर अपन बात करें, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में अगर अपन बात करें, इसके अलावा हम बात करें जो प्रीसियस मटेरियल है जिन्हें हम कहीं ना कहीं खानों से निकाल रहे हैं, माइंस वगैरह से निकाल रहे हैं प्रीसियस। भाई ऐसा थोड़ी ना कि सोना वगैरह जो है खानों से तो निकल रहा है ना। इसके अलावा अपन बात करें वाटर के बारे में, ये भी एक तरीके से क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें लैंड रिसोर्सेज के बारे में, ये भी एक तरीके से हमारे पास में रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? Natural resources are the resources that exist without any action. जहां पे humans का या हम एक तरीके से कहें कि इंसान जैसी जो पावर है या इंसान जैसा व्यक्ति है या इंसान का कोई भी कहीं से लेके कहीं तक कोई भी कनेक्शन नहीं होता, पूरा का पूरा जो नेचर है वही उसमें इन्वॉल्व होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। इस शब्द का कोई रिलेशन यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज नॉन नेचुरल रिसोर्सेज। मटीरियल एंड सब्सटेंसेस अकरिंग इन नेचर विच कैन बी एक्सप्लोइटेड फॉर इकोनॉमिक गेन। और एक बार बताओ, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो यूज कर रहे हैं हम लोग किस लिए कर रहे हैं? इकोनॉमी के लिए तो कर रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, अगर हम बात करें जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि अगर अपन लोग पानी वगैरह की बात करें या हम जो माइंस वगैरह की अपन बात करें, या तो ये जो चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स वगैरह लगे हैं, तो सिंपल सी बात है किसके लिए किया जा रहा है? इकोनॉमी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। और हम लोगों ने इनको इतना बेकार और बेहुदा तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया है कि अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम क्या है, जैसा कि मैं आप लोगों को आगे क्लियर करूंगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हमारे कि आने वाले टाइम पे जो पेट्रोलियम की अगर अपन बात करें, पेट्रोल वगैरह के बारे में बात करें, तो लगभग जो एनसीईआरटी कहती है वो ये कि ओनली 40 सालों के लिए हमारे पास में पेट्रोल रहेगा। सोच करके देखो आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हाँ समझ गया मैं कहने का मतलब। तो इसीलिए तो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, हम बात करें कि इन्वेंशंस इन द सेंस कि जैसा कि जो सोलर एनर्जी से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइक वगैरह चलाने का काम कर रहे हैं, बैटरी वगैरह की अगर अपन बात करें तो लाइट से यूज हो रही है। तो इस तरीके से नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, क्योंकि इतना साइंटिस्ट को पता है कि जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है वो एक ना एक दिन तय बात है कि कहीं ना कहीं वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कोल के बारे में। ठीक है, जो कोयला हमें निकल रहा है, कोयला हमें मिल रहा है, जो हमें प्रकृति दे रही है, वो मात्र और मात्र 450 साल के लगभग और बचा हुआ है। उसके बाद में क्या होगा? इतने बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा जो ट्रेनें वगैरह होती हैं। ठीक है, वो देखा होगा मालगाड़ी जो होती है वो कोयले को भर करके लेकर के जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि नेचुरल और कोयला कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन या दो दिन या साल भर के अंदर तैयार हो जाता हो। नेचर इतनी जल्दी तैयार नहीं करते।
बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं तब जाकर के नेचर जो है उसको कोयले के अंदर तब्दील करती है। तो एज इट इज एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, लिख लिया बेटा। नेचुरल गैस हैं, प्रीसियस मटेरियल हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी वगैरह हैं हमारे पास में, लैंड रिसोर्सेज के अपन बात करते हैं, क्रूड ऑयल के बारे में अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज है। फर्स्ट हम बात करें जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए, नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमंस, एंड नेक्स्ट है हमारे पास में ह्यूमन मेड, ठीक है। नेचर के बारे में अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेस पे, तो यहाँ पे हमारे पास में दो चीजें हैं। फर्स्ट इज नॉन एज बायोटिक एंड सेकंड इज नॉन एज एबायोटिक। और बायोटिक और एबायोटिक का मीनिंग अब आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आ चुका होगा कि बायोटिक क्या होंगे और एबायोटिक क्या होंगे। नेक्स्ट हम बात करें यूटिलिटी के आधार पर, अगर हम उनको यूज कर रहे हैं और उनको वापस से रिसाइकल किया जा सके तो वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल बात। देखो आप लोगों को पता होगा, अगर अपन एक तरीके से देखें, अगर हम कोयले की बात करें, क्या उसको वापस से यूज किया जा सकता है? एक बार जलने के बाद में खत्म है, ठीक है। लेकिन पेपर की अगर अपन बात करें, उसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, ठीक है, वापस उसको यूज किया जा सकता है। इससे हमें फायदा क्या है? जंगलों को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। जितने पेड़ काटे जा रहे हैं वो एक अलग रीजन हो सकता है कि वो किसी ना किसी कारणवश दूसरे रीजन से भी काटे जा रहे हैं, लेकिन एक अपन पेपर की अगर बात करें तो पेपर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो किया जा रहा है ना किसी ना किसी रूप में, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, रिन्यूएबल। कहने का मतलब ये है कि उसको हम वापस से रिन्यू फॉर्म में ले सकते हैं, वापस से उसको एक नई फॉर्म दी जा सकती है और उसको वापस से एक नए सिरे से यूज किया जा सकता है, फिर यूज होने के बाद में वापस से उसको रिन्यू किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें नॉन रिन्यूएबल, एक बार यूज करने के बाद में उसका दोबारा यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करें डेवलपमेंट, तो पोटेंशियल है, एक्चुअल है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लोकलाइज हो जाएंगे, और अगर हम बात करें बेस्ड ऑन ऑनरशिप के बारे में, तो इंडिविजुअल है, नेशनल है, कम्युनिटी है और इंटरनेशनल है। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखिए अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं ऑनरशिप के बारे में, तो इससे मतलब क्या है, इससे मतलब क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, मैं बात करूं कॉपर के बारे में, ठीक है। तो कॉपर के जो इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिनसे कॉपर, आप लोगों ने देखा भी होगा कॉपर की जो ट्यूब वगैरह बनती है, आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा अपने घर में, या हम एक तरीके से कहें तो अपने एसी वगैरह जो होते हैं उनकी जो ट्यूब वगैरह होती हैं वो बनती है, तो ये कहीं ना कहीं तो बनी रही होंगी, ठीक है ना। तो एज इट इज नहीं मिलता है, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल मिलता है। तो कई देशों के पास में कॉपर ज्यादा है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट वगैरह के बारे में, हम बात करें जैसे कि यूरेनियम के बारे में, आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो जो राम सेतु है उसको तोड़ने के पीछे बातें चल रही थी, लेकिन हमने जब उसके बारे में एनालाइज किया तो वहाँ पे यूरेनियम के बहुत प्रचुर भंडार है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हर देश एक ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है,
कि अगर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है तो हमें इनसे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे भंडार भरे पड़े हैं जो हम, ठीक है, पेट्रोल की अगर अपन बात करें, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में पेट्रोलियम की। अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जो बाहर से पेट्रोल आ रहा है फिर वो यहाँ पर आकर के अलग अलग स्टेट्स में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, इंडिविजुअल हैं, नेशनल हैं, कम्युनिटी हैं, इंटरनेशनल हैं। एज इट इज कॉपी कर लो एक बार, इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए। हो गया, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होना। चलिए नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अगर हम फटाफट से एक बार देखते हैं, रिसोर्स सप्लाइड बाय नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पे ह्यूमन का नेम नहीं आया तो क्या हुआ, नाम तो जानते ही हम, द सन, एयर, वाटर, सोइल। एयर के बारे में हम बात करें, फॉरेस्ट के बारे में हम बात करें, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात करें, कोल के बारे में हम बात करें, पेट्रोलियम जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, नेचुरल गैसेस वगैरह हैं, मिनरल्स हैं, आर द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यू एबल बेस्ड ऑन यूटिलिटी की अगर अपन बात करें तो वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि हम इन्हें दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं यूटिलिटी के आधार पर। तो एक तो रिन्यू कर सकते हैं और एक हो जाएंगे हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चले आगे, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अपन बात करते हैं, इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, जिसके पास में, जिस देश के पास में अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है तो उसके पास में एक, अगर अपन बात करें इकोनॉमी की दृष्टि से या इकोनॉमी के बेस्ट पे अगर अपन बात करें तो वो कहीं ना कहीं सक्षम होगा, डेवलप उसका ज्यादा होगा, क्योंकि देखो इनकम के सोर्सेज उसके पास में ज्यादा है। जब वो इनकम करेगा तो सिंपल सी बात है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेवलपमेंट में उसका यूज होगा। तो सिंपल सी बात है, इट इंडिकेट द पोटेंशियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री, द वेराइटी ऑफ द सब्सटेंस दैट मैन गेट्स फ्रॉम द अर्थ एंड नेचर टू मीट बेसिक नीड आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। The world resources means a source supplying material generally held in reserve. और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है इनको रिजर्व नहीं रखते हैं, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी तो कहीं ना कहीं, भाई ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें बन चुकी हैं। आज अगर अपन पेट्रोल बंद कर दें, मान लो पेट्रोल बंद हो गया तो क्या काम चल जाएगा, ठीक है, कुछ एसेंशियल चीजें तो चलानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो रिजर्व किया हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज आर बोथ लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चले आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद में टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्लूड ऑयल, ऑयल में हमारे पास में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा जो हमारे व्हीकल वगैरह चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कोल के बारे में,
नेचुरल गैसेस के बारे में अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स, जो प्रीसियस मेटल्स हमें मिल रही हैं, भाई कॉपर वगैरह के अपन बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें सोना है, चांदी है, तो ये सभी क्या है, मेटल्स के अंदर। स्टोन, देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जो पत्थर निकल रहा है ये भी कहीं ना कहीं हमें नेचर ही तो दे रही है, और उस पत्थर का यूज हम कितनी, मतलब एक तरीके से अपन बहुत सारी वैरायटी है जिस तरीके से हम उनका यूज कर रहे हैं, और पत्थर में भी हमारे पास में बहुत सारे हैं, मार्बल वगैरह की अपन बात करें, स्टोन्स वगैरह की अपन बात करें, और भी बहुत सारे पत्थर जैसा कि आप लोगों को पता है, एंड सैंड्स की अपन बात करें। एयर, सनलाइट, सोइल एंड वाटर आर अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एबायोटिक के अंदर काउंट होंगे। एज इट इज कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा है हमारे पास में एग्जॉस्टिबल। एक तो वो जो फ्यूचर में जाकर के ये तय बात है, फिक्स हो चुका है कि कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, हम फिर इसको यूज नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ अदर सोर्सेस से ही अपना काम चलाना पड़ेगा, तो उन्हें तो क्या कहा जाएगा, एग्जॉस्टिबल। और एक होंगे इनएग्जॉस्टिबल, कहने का मतलब कितना ही यूज करो आप, अनलिमिटेड यूज करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें इनएग्जॉस्टिबल में, तो हमारे पास में क्या क्या है, देखिए फर्स्ट अगर अपन बात करें रिसोर्सेज दैट आर अनलिमिटेड क्वांटिटी, हमारे पास में किस कंडीशन में है, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करें रिसोर्सेज दैट आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान कितनी ही एक्टिविटीज कर ले, ठीक है, फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। देखो अगर अपन बात करें कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कितनी ही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है, और उन एक्टिविटीज के थ्रू क्या हो रहा है, बिल्कुल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो उन एक्टिविटीज के थ्रू क्या हो रहा है, उन एक्टिविटीज के थ्रू ये हो रहा है बरकरार कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कहीं ना कहीं उनको हार्म हो रहा है। अब अगर हम बात करें इनके बारे में इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो इनको कितना ही यूज कर लो, उनकी मर्जी बड़े जितना यूज करो वो खत्म होने का नाम ही नहीं। एग्जाम्पल्स हमारे अगर बात करें एयर, कितना ही लो आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वाटर, ठीक है, लेकिन एक सही मैनर में, वाटर तो हमारे पास में बहुत सारा, ऐसी बात नहीं है, समुद्र सात समुद्र हमारे पास में, ऐसी बात थोड़ी ना, ठीक है। अगर हम बात करें सोलर रेडिएशंस के बारे में, ठीक है, अगर उन रेडिएशंस का यूज एक पर्टिकुलर और सही तरीके से सही अमाउंट में यूज किया जाए तो वो हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें एग्जॉस्टिबल, एक ना एक दिन तय बात है कि वो खत्म हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल की अगर अपन बात करें तो उनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, और रिन्यू की अगर अपन बात करें तो इन्हें वापस से रिन्यू किया जा सकता है। एज इट इज एक बार कॉपी कर लीजिए इस फ्लो चार्ट की, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चले आगे। यहां पे हमने एक ही बार में समझ लिया है कि एग्जॉस्टिबल क्या होंगे, नॉन एग्जॉस्टिबल क्या होंगे, या नॉन रिन्यूएबल क्या होंगे, या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, वाटर है, सोइल है, एयर है, ओशियन वेव्स की अगर अपन बात करें, इसके अलावा हम बात करें जियोथर्मल के बारे में, विंड्स वगैरह के बारे में, इनको किस में काउंट करेंगे हम लोग, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में। एग्जॉस्टिबल की अगर अपन बात करें कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्या हो जाएंगे, एक ना एक दिन तय बात है कि खत्म हो जाएंगे,
दोनों ही एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, और आगे हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, फर्स्ट हम बात करें इनएग्जॉस्टिबल एंड सेकंड इज एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल के अंदर हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करें हाइड्रिक एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे और टाइडल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। रिन्यूएबल की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, वाटर, इतने बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह हैं जिनके अंदर क्या किया जा रहा है, उन वाटर को वापस से रिन्यू किया जा रहा है एज इट इज। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे, उनके बारे में एक बार यहां पे लिखा हुआ है, आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, ये थोड़ा सा और भी इसको डिटेल में इलेबरेट करके बताया गया है आप लोगों को, एज इट इज कॉपी कर लीजिए, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं बेटा, ठीक है। चले आगे, देखो चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, देखो बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पे अगर अपन बात करें या बेस्ड ऑन ओरिजिन की बारे में अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है बायोटिक का मीनिंग क्या होगा और एबायोटिक का मीनिंग क्या होगा। बायोटिक के अंदर हम बात करेंगे किन के बारे में, हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, और एबायोटिक के अंदर हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फंजाई है, प्लांट्स हैं, इसके अलावा अपन बात करें प्रोटिस्टर्स वगैरह हैं हमारे पास में, एनिमल्स वगैरह हो जाएंगे हमारे पास में, आर्किया बैक्टीरिया हो जाएगा, इसके अलावा हम बात करें बैक्टीरिया वगैरह के बारे में। एबायोटिक फैक्टर्स की अगर अपन बात करें, ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, एयर, सनलाइट, इसके अलावा हम बात करें सोइल के बारे में, इसके अलावा हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, इसके अलावा हम बात करें वाटर है, ह्यूमिडिटी, ये सब किसके अंदर काउंट किया जाएगा, एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर काउंट किया जाएगा। एज इट इज बस ओनली इनके एग्जाम्पल्स को लिख लो आप, है ना, इनके एग्जाम्पल्स लिखना है हम लोगों को। हो गया, चलिए बेस्ड ऑन ओरिजिन की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बायोटिक रिसोर्सेज क्या होंगे। अरे भाई, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की अगर अपन बात करें क्रॉप के बारे में, प्लांट ही तो है एक तरीके से, बर्ड्स की अगर अपन बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो काउंट किया जाएगा, एनिमल्स की अगर अपन बात करें, फिश वगैरह की अपन बात करें, मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया था कि जो हैबिटेट है, ठीक है, तो हैबिटेट को भी हमने दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है, वहां से आप लोग इजीली लिंक कर सकते हो कि हाँ वहां पे हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल को भी देखा था और यहाँ पे आपको टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक हैबिटेट से रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उनके बारे में इजीली आइडिया मिल जाएगा। अब हम बात करें एबायोटिक के बारे में, जो नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, लैंड वगैरह की अपन बात करें, वाटर वगैरह के बारे में बात करें, इसके अलावा हम मिनरल्स के बारे में बात करें, कॉपर वगैरह के बारे में बात करें, ये सभी के सभी किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। एज इट इज कॉपी करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन यूटिलिटी के आधार पर अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके अलावा जो इसके आगे की जो चीजें हैं इन्हें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप भी हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को किस किस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, और
हम किस तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे इजीली डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम लोग देखेंगे कि इनका मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है। भाई एक बार बताओ, ये तो ते बात हो गई कि ह्यूमन बीइंग हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इनका मैनेजमेंट होना भी तो जरूरी है, क्योंकि जब आजादी हुई होगी तो उस टाइम पे हम लोग इतने एक तरीके से कह सकते हैं, इतने हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इतने अवेयरनेस थोड़ी ना होगा कि यार मतलब हमें किस तरीके से इनका यूज करना है, ठीक है। फिर धीरे 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 हम लोगों ने इनके बारे में समझा कि अगर ये नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो अटक सकता है। तो इस वजह से क्या किया गया, मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी हो गया, और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हमारे प्रॉपर चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।